कालाढूंगी थाना अंतर्गत कालाढूंगी नैनीताल रोड में प्रिया बैंड के पास रोहतक हरियाणा निवासी की कार ब्रेक फेल होने के चलते गहरी खाई में गिर गई। आपको बता दें कि पर्यटक नैनीताल से घूमकर अपने घर रोहतक हरियाणा जा रहे थे, जिसमें मां और बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चालक और आगे बैठा उनका बेटा गाड़ी में एयरबैग खुलने से सुरक्षित बच गए। वहीं कालाढूंगी थाना पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद महिला के शव को रेस्क्यू कर सड़क तक लाया गया, जबकि उसकी बेटी मृत अवस्था में अभी भी गाड़ी के अंदर फंसी हुई है। वहीं कालाढूंगी थाना पुलिस कटर मशीन की मदद से कार को काट कर लड़की के शव को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। दो फैमिली रोहतक से नैनीताल घूमने के लिए आई थी, इसमें एक फैमिली इनकी पहले ही कालाढूंगी पहुंच चुकी थी, दूसरी गाड़ी जो है मारुति बलेनो से काफ़ी तेजी से नैनीताल नीचे को आ रही थी। प्रिया बैंड से एक किलोमीटर पहले ब्रेक न लगने के कारण गाड़ी नीचे घुस गई, जिसमें मौके पर ही दो महिलाओं की मृत्यु हो गई है, दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रेफर कर दिया गया है